जनपद सहारनपुर के गंगोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। योगी उपाध्याय समाज का यहाँ एक सम्मेलन होना था, जिसमें आज भारी तादाद में भीड़ उमड़ने का पूरा अनुमान है। हालांकि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा था वो आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी, अब आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य किसी कारण वजह से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा दूं, अनाज मंडी यानी यहाँ नवीन मंडी जो नानोता रोड पर है, यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो गई है। हालांकि अन्य जो नेता है, क्षेत्रीय जो नेता है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ समाज की और अन्य सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर जुटना शुरू हो गई है। हालांकि जिस तरह की यहाँ भीड़ पहुंचना शुरू हुई है, तो उससे जैसा यहाँ उप मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित हो गया है, तो भले ही वो उनका दौरा स्थगित हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के पास और समाज के, जिस समाज का ये प्रोग्राम है, उनके पास जो कॉल गई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। भीड़ लगातार यहाँ पहुंच रही है। यानी इसके अलावा यहाँ जो क्षेत्रीय नेता है, चाहे वो गंगो विधानसभा के विधायक चौधरी किरत सिंह हो या फिर केराना लोकसभा के सांसद चौधरी प्रदीप, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और अन्य जितने भी जनपद सहारनपुर के नेता है, वो भी सब यहाँ मौजूद रहेंगे। अब देखिए यहाँ किस तरह ट्रैक्टर और ट्रालियों में भरकर यहाँ कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। यानी योगी उपाध्याय समाज का ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। इसमें हालांकि कुर्सी वगैरह अच्छी खासी यहाँ पर लगाई गई, आप देख सकते हैं, बहुत सारा बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रोग्राम सजाया गया है। और एक टीन शेड के नीचे भी कुर्सियां लगी हैं, आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों में ये एक भीड़ यहां पर पहुंचना शुरू हो गई है। कार्यकर्ता जो है यहां पहुंचना शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का अनुमान भीड़ का लगाया जा रहा है, तो वो भीड़ यहां पर पहुंचना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा और युवाओं की भीड़ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपने साउंड के साथ पहुंच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। इसमें लगातार ये भीड़ यहाँ पहुंचना शुरू हो गई है, तो पूरी अपडेट हम आपको देंगे। जैसे जैसे आप भीड़ आएगी और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे, तो उसके बाद भी हम आपको पूरी यहाँ सभी कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो गए। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जी। क्या नाम आपका? मैं महावीर जोगी करनाल से हूँ। करनाल से है आप लोग? अच्छा, उप मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित हो गया है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? देखिए ऐसा है, ये सरकार की अपनी कोई परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें हमें जनता ने कोई मतलब नहीं है। आज जो हमारा प्रोग्राम है, जोगी समाज का प्रोग्राम है, जो बढ़ चढ़ कर जोगी समाज यहाँ अपनी एकता का प्रदर्शन दिखाने के लिए जा रहा है, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संगठन का सभी लोगों ने पता लग जाएगा। और जोगी समाज ने खासकर जिन्होंने 76 साल हो गए, अपनी एकता का, अपने संगठन के बारे में कोई भी पता नहीं था, आज उसके बारे में ये जोगी समाज जो गंगोह के अंदर पहली बार जो इन्होंने आज अपना हौसला रखा है, अपनी मत रखी है, एक एक रुपया अपनी जेब से खर्च करके लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो हम जो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की कोई भी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए आज वहाँ सारे हमारे जोगी समाज के नेता, जोगी समाज के संगठित जो भी कार्यकर्ता, जो बच्चे बूढ़े, सभी यहाँ पहुंच रहे हैं, ताकि ये सबसे बढ़िया और वह जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी तक आवाज जाए। गंगो के अंदर 76 साल में जोगी समाज ने, बीसी क्लास ने एक प्रोग्राम किया है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता बहुत है, ये लाखों की तादाद में जो जनता पहुंच रही है, तो कहां से लोग यहां पहुंच रहे हैं? यहां से कम काफी संख्या में, जितना भी यूपी के, तो जितना भी, मान लो मैं तो ज्यादा देखूंगा, सबसे ज्यादा संख्या यहाँ यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। जो ये जाति जो आज तक भी, मतलब जो है ना, इनको इकट्ठा करने के लिए आज इनके पास, कभी हमारे टाइम में माननीय क्रांतिकारी सुभाष चंद्र जी बोस पैदा हुए थे, और अब इनको एक नेता मिला है, कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी, जो सहारनपुर में है, जिन्होंने साबित करके दिखा दिया है। भाई उन्होंने उसका एक नारा है सुभाष चंद्र योगी का, जैसे सुभाष चंद्र क्रांतिकारी ने कहा था भी, आप लोग मेरे को खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, तो ये उसने साबित करके दिखा दिया सुभाष चंद्र योगी ने, जो सहारनपुर ग्रहण वाले हैं, उन्होंने सारे को। अच्छा, समाज को इकट्ठा करके कोई नेतृत्व मिलने का भी कोई समाज को कोई अनुमान है? देखिए आज लोग जो हमारी सरकार में कोई भी हिस्सेदारी नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि हम संगठित नहीं हुए, हमारे जो चलाने वाला कोई इंजन ही नहीं था,
अब ये जो पहली बार सुभाष कैप्टन जी हमारे बीच में आए, इन्होंने समाज को इकट्ठा किया और समाज को एकजुट हो गए, सबको संगठित किया, तो मैं समाज का भी सबसे पहले तो मैं समाज का और उसके बाद जो हमारे कैप्टन साहब है सुभाष चंद्र योगी जी उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम जो है ना काफी संख्या में कम से कम जो है ना 1000 के करीब करनाल हरियाणा से भी आदमी पहुंचे हैं, तो हरियाणा वालों को भी यहाँ पहुंचने का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन। आप कहाँ से आए? करनाल से। करनाल हरियाणा से आए। हाँ, काफी संख्या बहुत संख्या में आया और मोदी और योगी इनको हमने दोबारा लेके आना है यहाँ पर, उप मुख्यमंत्री जी आए ना आए से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आए हैं और यहाँ की जो सफल रैली है इसको करके ही जाएंगे हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं गंगो से हूँ भाई साहब। गंगो से हैं, कैसा लग रहा है प्रोग्राम है गंगो के अंदर? मेरे को खुद पे गर्व हो रहा है कि मैं एक जोगी हूँ और मैं सबसे पहला जोगी की रैली में आया हूँ, खुद पे गर्व हो रहा है। आप कहाँ से? जिला सहारनपुर से। सहारनपुर से? अच्छा, जिला महासचिव हूँ बीजेपी का। हाँ जी, बहुत खुशी हुई कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। हाँ जी, कम से कम 150 कार्यकर्ता हमारे साथ। मैं सभी अपने जोगी बिरादरी के भाइयों को बोलूंगा कि ऐसे जहाँ भी रैली हो सबसे भारी से भारी संख्या में आने की अनुमति है सबको, जीरे जल्दी आए। समाज के जो इस सम्मेलन में यहाँ पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह जोश इनके अंदर है, किस तरह से ये लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। बन रही है हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।